कहते हैं कि जिसे मोहब्बत है उससे शादी कर लो, या फिर जिसे शादी हो चुकी है उसे मोहब्बत कर लो। ये कहना उस शख्स का है जो आज लाखों करोड़ों यूथ को इंस्पायर कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, बिजनेस करने का तरीका बता रहा है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ MBA चाय वाला यानी कि प्रफुल्ल बिलोरिया सर की। इनका जन्म सन 1996 14 जनवरी मध्य प्रदेश का एक छोटे से शहर इंदौर में हुआ। तब की तरह ये भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग, ग्रेजुएशन को बीच में ही छोड़कर निकल पड़े अपनी एक दुनिया बनाने। निगाहें हमेशा बुलंदियों पर थी पर शुरुआत चाय के ठेले से करी। जिस उम्र में लोग अपनी लाइफ इंजॉय करते हैं, गर्लफ्रेंड बनाते हैं, पार्टी करते हैं, डेटिंग करते हैं, अपने दोस्तों के साथ मजे करते हैं, उस उम्र में इस बंदे ने चौराहे पे जाके चाय बेचना शुरू कर दिया। लोग, दोस्त, नाते, रिश्तेदार सब हंसते थे, बोलते थे कि तुम ये क्या कर रहे हो, इतना पढ़ लिखने के बाद भी चाय बेच रहे हो। सब हंसते थे इन पे मेरे दोस्त, पर इतिहास गवाह है कि जिस पे जग हंसा है इतिहास उन्होंने ही रचा। किसको पता था कि सिर्फ चाय बेचकर लाखों भी कमाया जा सकता है, सिर्फ चाय बेचकर करोड़ों की कंपनी भी बनाई जा सकती है। किसको पता था कि गली का एक नुक्कड़ से शुरू किया हुआ वो बिजनेस पूरी देश भर में फ्रेंचाइजीज भी खोला जा सकता है। थैंक यू MBA चाय वाला सर, प्रफुल्ल सर, थैंक यू अलॉ, दुनिया को ये प्रूफ कर देने के लिए कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता। आई सल्यूट यू सर एंड आई रियली मीन इट। प्रफुल्ल सर कहते हैं कि मैं तो करता रहा काम मेरा, काम करना मेरी आदत है, मेहनत से सब कुछ पाया है मैंने, मेहनत ही मेरी इबादत है, मेहनत से मुकर जाने का लाख बहाने थे मेरे पास, मेहनत से मुकर जाने का लाख बहाने थे मेरे पास, पर मेहनत से लगे रहने का बस एक ही कारण था मेरे पास, वो मेरा जिद था। लोगों का परछाई बनने से अच्छा खुद का कोई काम करो, मंजिल का तो पता नहीं मेरे दोस्त, पर सफर पे तो निकला करो, छोटी सी शुरुआत करो, सोच रखो बड़ी, सिर झुकाए मेहनत करो, परिणाम का कोई चिंता नहीं, और देखना काफिला कितनी हंसी होगी मेरे दोस्त। अगर सहमत हो तो अपने इस भाई को मोटिवेट करना। फिर मिलते हैं, हैव अ नाइस डे।